लगी? एक्चुअली मेरा नाम शशिकांत है एंड मैं फर्स्ट टाइम गाड़ीजो में आया था सर्विस कराने के लिए। तो इन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था कि हम ये सारी चीज़ें देंगे, पैकेज करेंगे और आपकी गाड़ी का अंदर से ड्राई क्लीन वगैरह फ्री में दे रहे हैं, जो कि सर्विस के साथ है। और हम रीजनल रेट पे कैस्ट्रोल ऑयल के साथ हम सर्विस करा रहे हैं। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम विजिट किया और अभी तक की लाइफ में जितनी भी जगह पे मैंने सर्विस कराया है, मैं मोस्टली जगह चेंज नहीं करता हूँ। मेरा एक ही लोकेशन है गुड़गांव में, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं गाड़ीजो में आया। इंजन फ्लश के साथ इन्होंने सारी सर्विसेज किया और इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपनी गाड़ी को सर्विस होते हुए भी देख सकते हो फ्लोर पे जाके कि आपकी गाड़ी में क्या काम जो चल कि रहा बहुत है, ही क्या अच्छा नहीं लगा चल मुझे। रहा है, और वो आंखों सारी के चीजें सामने हैं। हुआ है। और इनके सबसे स्टाफ में पहले भी तो ये बहुत ही है कि कॉपरेटिव गाड़ी का हैं। टेस्ट ड्राइव अगर करो। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है तो ये उनको डीप में समझाते हैं जब तक कि आपको समझ में ना आए। तो मैं तो यही कहूँगा कि गाड़ी जो इज़ द बेस्ट कार सर्विस इन द मार्केट। डस्ट भर रही है, देखते हो, पता नहीं कब से शायद ये चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हो तो आपको बीच बीच में अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर निकाल के एक बार इसकी एयर से साफ कर देना या फिर इस तरीके से इसको झाड़ लेना। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम फ्रॉम गाड़ी जोशी। तो आज हमारे पास आ रखी है होंडई की i10 इनियोस। इस कार की करने वाले हम जनरल सर्विस, ये डीजल वर्जन है। सबसे पहले हम इसके करते हैं सस्पेंशन को चेक। इसके सस्पेंशन के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ओके है सस्पेंशन। ये आप देखते हो, इसका एयर फिल्टर है बिल्कुल चौक हो रखा है। लगता है कि दो तीन सर्विस से कराया ही नहीं है चेंज। कई बार क्या होता है, लोग गाड़ी की सर्विस करा लेते हैं बाहर, वहां पे क्या होता है कि वो एयर मार के दोबारा से वापस इसी को फिट कर देते हैं। बट इसकी ना एक सर्विस छोड़ के एक सर्विस पे चेंज होना चाहिए, बट हमारे यहाँ पे हर सर्विस में एयर फिल्टर चेंज ही करते हैं हम, क्योंकि ओहो कितनी डस्ट भर रही है, देखते हो, पता नहीं कब से शायद ये चेंज ही नहीं हुआ। अगर आप अपनी गाड़ी को चलाते हो तो आपको बीच बीच में अपनी गाड़ी का एयर फिल्टर निकाल के एक बार इसकी एयर से साफ कर देना या फिर इस तरीके से इसको झाड़ लेना। अगर आप अपनी कार के एयर फिल्टर को ऐसे निकाल के अगर साफ करते हो तो इसके इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है और गाड़ी का पिकअप और माइलेज। ये इसका न्यू एयर फिल्टर है, आप देख सकते हो जो पुराना फिल्टर था कितना चौक हो रखा था, ये नया फिल्टर है, बिल्कुल क्लीन है। ऑयल फिल्टर है, इसकी भी कंडीशन देखते हैं। ओहो बिल्कुल डैमेज हुआ पड़ा है, ये भी बिल्कुल चौक हुआ पड़ा है, बिल्कुल ब्लॉक हुआ पड़ा है। डीजल गाड़ी का तो वैसे भी बहुत जल्दी से ब्लॉक हो जाता है, ये देख सकते हो कितना ब्लॉक हुआ पड़ा है, एकदम कीचड़ सी भरी हुई है इसके अंदर। ये इसका न्यू ऑयल फिल्टर है, ऑयल फिल्टर को लगाने से पहले रिंग है, ये हमेशा रिंग लगानी चाहिए। कई बार इसकी वजह से ऑयल फिल्टर जो होता है वो लीक हो जाता है, बहुत से लोग कई बार रिंग को भूल जाते हैं या फिर ऑयल फिल्टर के अंदर साथ में यह रिंग नहीं आती है, तो ऐसा ना करें, कई इसकी वजह से काफी।
के ब्रेक पैड हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करते हैं क्योंकि ब्रेक पैड इसके ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कार की कंडीशन कैसी है और स्ट्राइकिंग होने के बाद फिर प्रॉपर तरीके से कैसी कंडीशन है। फाइनली कार पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अंदर से जो ड्राई क्लीन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी गंदगी पड़ी हुई थी, पूरी प्रॉपर तरीके से हमने केमिकल से और वैक्यूम से प्रॉपर तरीके से हमने इसको। तो आप मेरी ऐसी वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करते रहे ताकि मैं आपको ऐसी सर्विस की वीडियोस दिखाता रहूं।